सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर स्मैश मेंबर नन अदर देन जगत नारायण जी को। नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अभी है एनर्जी सीखने की? अभी कुछ है खाली, कुछ चाहिए अभी इसमें? चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि अक्सर जब मेरी बारी आती है तो समय ख़त्म हो चुका होता है। तो कई बार तो हम हाथ हिला के काम चला लेते हैं। कितनी खुशी की बात है, देखो बिजनेस इतना ऑटोमोड पे आ गया है कि इतने सारे लीडर्स हो चुके हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स, प्यारे प्यारे लीडर्स। एक बार सब लीडर्स के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए पहले। अब बाकी ताली बजाने की आपकी इच्छा है, इच्छा हो तो बजाइएगा, नहीं इच्छा हो तो मत बजाइएगा। चलिए मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ, उसी में काफ़ी कुछ कहानियाँ छिपी हुई हैं, है ना, और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये समझ में आ गया और समझ में आके आपके दिल में आ गया और दिल से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया और सबकॉन्शियस माइंड से आके मतलब अगर आ गया ना, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो किसी न किसी के दिमाग में आ जाए, बातें ये आ जाए, ये चेंज हो जाएगा लाइफ आपकी, ठीक है। नाम मेरा जगत नारायण सिंह है, जॉब करता था। ये पीछे बाइक दिख रही है ना, यही बाइक लेके आया था मैं यूपी से, यूपी 78-52-04, ये बाइक का नंबर मेरे है, राइट। और इसी बाइक में, बाइक की पोजीशन क्या हुआ करती थी वो दिख रही, सामने दिख ही रही, बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कि एक बाइक वाला कभी बड़ा सपना देख पाएगा? देखते तो सभी है, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिला, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, और जिस व्यक्ति ने मिलाया, जिसने मिलाया वो आज है नहीं सिस्टम में, ठीक है। लेकिन मिला के किससे गया? वो मलिक सर से मिला के चला गया। एक बार मलिक सर के लिए तालियां बजा दो एक बार जरूर। और इसी बाइक पे लेके जाते थे लोगों को बैठा के कि चलो आओ बिजनेस प्लान समझाते हैं, देखते हैं। तो इसी बाइक से लेके जाते थे होटल में, मलिक सर रुकते थे और बाइक पे पीछे बैठा के, बारिश हो रही है तो लेके चले जा रहे हैं पीछे, और पसीने पो पानी पोंछ रहे हैं, अपना रेनकोट उतार रहे हैं। कि कभी किसी को लेके जाते थे तो वो देखता था, हाँ जी बुलाओ। हमने कहा सर मलिक सर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा विजन है, इंजीनियर हैं, और यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं। और मलिक सर कहते थे कि जगत तुम्हारा भी एक दिन आएगा, तुम्हारी भी गाड़ी होगी, तुम्हारा भी घर होगा। तो जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसका घर नहीं है, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को नहीं होता था। लेकिन मेरे को क्या होता था कि अगर ये मेरे सपनों की बात कर रहे हैं, अगर ये मेरे विश्वास को, मेरे जो हम चाहत है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम विश्वास करें। एक मन तो कहता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक मन कहता था अगर हो गया तो, अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो। वो तो कहीं ना कहीं करता था, हम कर देते थे। तो कुछ वो बोलता क्या था जिसको लेके जाते थे, यार ये सब चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं, कुछ नहीं होता है, ये लच्छेदार बातें करते हैं सब ये। ऐसा मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला, लेकिन हमने बोला कि यार तुम कौन सी बातें करते हो, मेरे भलाई की भी बात करते हो क्या? कोई आपकी भलाई की बात नहीं करेगा, ना आपका बॉस, ना आपका कोई पड़ोसी। वो कौन करेगा? वो केवल एक ही व्यक्ति करेगा, उसका नाम है क्या? अपलाइन। सत्रह साल नौकरी की, 17 साल की नौकरी कैसी होती है? नौकरी कितने लोग करते हैं? किसके पूरे हो चुके 17 साल? कोई है? 17 साल वाले हैं बैठे हुए, कुछ 20 में ही हो गए। अब कर लो, बहुत हो गया, गुलामी बहुत हो गई, अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है और इतने सारे लोग सफल हो चुके हैं, अपने जीवन को बदल चुके हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात रात ड्यूटी की, दिन दिन ड्यूटी की, रात का खाना सुबह 6 बजे खाया, ये सब चीज़ें की मैंने जॉब में, बहुत चैलेंजेस थे। लेकिन कुछ के दिमाग में आता ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, अरे भाई साहब क्या होगा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। संतोषम परम सुखम, पर्तव्यम तम मर्तव्यम, ना पर्तव्यम तम मर्तव्यम, जिभ्या सासत किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, क्यों टेंशन लेना। जैसे आए हैं जैसे जाएंगे, क्या करना जिंदगी में। ऐसे लोग भी मिलेंगे, ज्ञानी लोग, हमें उनसे बचना है। क्योंकि अगर आपके सपने हैं, वो पक्के हैं, मजबूत हैं, उसे पूरे करने की चाहत है, तो जल्दी पूरा होगा आपका, राइट। तब होता है अफर्मेशन की बात। मलिक सर ने बताया कि जगत ड्रीम लिखो अपने, अफर्मेशन करते हैं। तो हमने एक दिन बैठे बैठे लिख ही दिया, हमने कहा चलो आज लिख ही लेते हैं ड्रीम। और ये मेरे ड्रीम लिखे हुए हैं, कब के हैं? 13-3-2015 के ड्रीम लिखे हुए हैं।
क्या लिखा है, 1,00,000 रुपए पर मंथ 2018। हमने कहा थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, ज्यादा लिखा था मैंने अंदर सोच, लिखने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी, कितना लिख पाऊंगा मैं, कितना कर पाऊंगा क्या। दूसरा ड्रीम लिखा बिग कार, मोर देन कितनी है, 6,00,000 की गाड़ी लिखी थी। हम पहले नैनो लिख रहे थे, तो मैडम ने कहा कुछ करना हो करिए, नैनो तो नहीं आई घर में। हमने कहा कि भाई जरा नैनो इतना कैसे हो पाएगा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने चलो लिखो तो एक बार, इतना बोल दिया लिख लेते हैं। आजकल कितना टूल लिखवाते हैं सर, अभी देखिए टूल दिया होगा ना, लिखो ये पूरे होते हैं। मैंने भी लिखा था, देखो ये डायरी भी रखी मेरी गाड़ी में आज भी, वो डायरी ठीक है। फॉरेन ट्रिप लिखा था कहीं मिल जाए, जिसको कहीं नहीं गई विदेश गया वो कहीं मिल जाए यार, सही है उसके लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। और नेम इन मैगजीन का नाम आ जाए, क्योंकि अब अच्छा ड्रीम कहाँ बनते हैं, अगर किसी जॉब वाले से पूछो कोई ड्रीम देखता है, कोई ड्रीम नहीं देखता है। बड़े सोचने में प्रेशर पड़ा हमारे, इतना सारा ड्रीम लिखूं कहले कैसे, और ये ड्रीम है जो सब चाहते हैं, सबकी चाहते हैं, ये सब लोग चाहते हैं, इन चाहतों को सब चाहते हैं, इन चाहतों को सब चाहते हैं, ये है ड्रीम, ठीक है। और क्या, बिग होम टिल 2018, और साइन कर दिया, थैंक यू गॉड लिख दिया, और लिख के मैंने डायरी रख दी। और जब हम अपने सपनों को पूरा कर चुके थे, एक सीक्रेट मूवी देखी आप लोगों ने, देखी ना, उसमें एक बंदा ऐसा बोलता है कि बस सपनों का घर मेरा बना हुआ था, मैं निकाला तो वही घर था मेरा। और वो मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने देखा कि यार मैं डायरी निकाल के पलट रहा था, नोट्स बना रहा था, देखा कि ये सब के सब पूरे हो चुके हैं, ये सब सपने पूरे हो चुके मेरे, और ये कई गुना में होके पूरे हो चुके हैं, राइट। लेकिन एक काम करना करते रहते थे, शो द प्लान, अंदर से ठान लिया करना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगले जन्म में क्या नाम होगा, कहां होंगे, कैसा होगा, लेकिन इस बार तो ठान लिया जिंदगी में सफल होना है और इस जगत को नाम को सार्थक करना है। और उस पे लगे रहे तो कोई भी मिल जाता था, ऑफिस से निकलते थे हेलमेट रख देते थे, मेरा ही हेलमेट रखा हुआ ये ब्लैक कलर का, ये हेलमेट रखे लेके आए, दो लोगों को ऑफिस छोटा सा हुआ करता था ऑफिस में, लेके दो को प्लान, एक को प्लान, तीन को प्लान दिखाना शुरू कर देते थे। करते करते एक चमत्कार हुआ, उस चमत्कार का नाम है ये गाड़ी। क्या हुआ कि कहते ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, और वो मेरे साथ हुआ। और हम धीरे धीरे जॉब में रहते रहते ही हम बन गए SED, बन गए SED यानी कार अचीवर बन गए, मेरी कार आ गई। और कार आने की कहानी बड़ी बड़ी विचित्र रही मेरी, और इस कहानी को लोग ने सुन लिया होगा, नहीं एक वीडियो भी आई है उसमें सुन लीजिएगा उनकी स्टोरी, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं टाइम लेंगे, टाइम कम है अपने पास में। तो ये कार आने के बाद मेरी मैडम पॉजिटिव हो गई, वो पॉजिटिव हो गई कि अब हमें इस काम पे करना। और सच बताऊं ये विश्वास नहीं हो रहा था, हमने कहा मैं कार अचीवर बन गया, कार लेने जा रहे हैं और कार क्लियर हो गई, चलो और लेते हैं। और कार लेने जब गए हम, तो उस समय क्या था कि मेरा DL उसी दिन एक्सपायर हो चुका था। और कब बना था, UP में बना था, और वो पापा से पूछा कहाँ बना था, उनको भी नहीं ध्यान है कहाँ बना था, क्योंकि 20 साल पहले बनवाया था कभी उसको। अब DL एक्सपायर हो चुका, तब तक हमने फ़ोन किया कि भाई मकान मालिक को फ़ोन कर दे, गाड़ी लेके आ रहे खड़ी करने के लिए। तो मकान मालिक ने बोला कि सर आप लोग घर लेते नहीं हो, पहले गाड़ी ले लेते हो। अब उन्हें क्या मालूम है कि गाड़ी से ही घर आएगा मेरा, उन्हें विश्वास नहीं था, लोग तो यही समझते पहले घर ले फिर गाड़ी ले। तो हमने कहा सर क्या नहीं, जगह नहीं है, बाहर खड़ी करना आप। तो अब एक टेंशन और, बच्चे तो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलने लगी, DL एक्सपायर, और भी UP का DL, वहाँ मकान मालिक ने बोल दिया गाड़ी बाहर खड़ी करना। और मेरे साथ कितने लोग आए, तो फोटो है नहीं मेरे पास में, केवल मात्र 2 लोग आए थे मेरी कार में, इस पहली कार में 2 लोग, एक गारंटर था जो गारंटी देने के लिए आया था, और दूसरा बंदा था कि जो कह रहा चलो यार मैं कार ले रहा, जगह जी चलो देखाते हैं चलो कैसी कार आती भी कि नहीं आती है, ठीक है। उसके शाम को, शाम के समय मोतीलाल जी की भी गाड़ी आई थी उस दिन, है ना मोतीलाल जी, शाम के समय मोतीलाल जी गाड़ी आई थी, कुछ लोग उनके साथ लगे हुए थे, ये सोच रहे थे मैं इनको फंसाऊं, हम सोचे इनको फंसाए हम, क्योंकि लग रहा पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, अगर आ गई तो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, लोग टिकते नहीं है ना। अभी बता रहे थे ना परमार जी, बाप बदलने में तैयार हैं लोग, पता ही चलता है कि अब हम किसके साथ चले गए, कल किसके साथ, कल किसके साथ, कल कहाँ है। तो जिंदगी में लिखा है कुछ लोगों की, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, गाना सुना है ना आपने। तो कुछ लोग बजने के लिए पैदा हुए हैं, उनको सब बजाते रहते हैं और हर जगह बज बज के आते रहते हैं वो, ठीक है। तो हम जब ये आई गाड़ी, उसके बाद गाड़ी गई घर पे गए, और जब गाड़ी खड़ी किया तो देख रहे हैं नई नई गाड़ी खड़ी है, और बार बार इधर से जा रहे देख रहे हैं, और उसने मकान मालिक बोल दिया बाहर ही खड़ी करना भाई साहब, रोड पे गाड़ी खड़ी है, अब कोई भी बगल से गाड़ी जाए तो आवाज़ सुने देखें कोई कुछ कोई है तो नहीं। लेकिन रात में सोए, उसके बाद में रात में महसूस किया हो रहा कि रात को 2 बजे लग रहा कि मेरी गाड़ी पे कुछ आवाज़ हो रही है, और जब देखा हमने तो कुत्ते पार्टी कर रहे थे उसके ऊपर, और वो पार्टी देख के दिल धक धक हुआ, जाके तुरंत भगाया पहले उनको, हमने कहा अब पहले घर लेंगे, और घर वो लेंगे जिसमें पार्किंग हो पहले। फिर हमने पार्किंग वाला घर लिया, घर चेंज किया, और उसके बाद में फिर तो बहुत सारे चेंजेस हुए।
इस गाड़ी का बड़ा एहसान है कि गाड़ी आने के बाद लोगों के दिमाग खुले, लोगों के नज़रिए खुले, और इस गाड़ी ने हमारे बहुत सारे लीडर्स को विश्वास दिलाया। ये गाड़ी एक्चुअली में नहीं है, ये आपका बिजनेस का टूल है। लोग देखते हैं कि पता नहीं कार आएगी कि नहीं आएगी, आ गई तो कब चली जाएगी। कुछ लोग आप अच्छा मजा तब है, जीतने का मजा तब है ना जब कुछ लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना, तो मजा ज्यादा आता है। ठीक है, एक बंदा मेरे को मिला था, मेरे ऑफिस वाला, मैं पहले जब ये बिजनेस में आया ना तो ड्रीम देखने लगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा घर होगा, तो बोलने लगे, सबसे ऑफिस में बोलने लगे, कर अच्छा गाड़ी आएगी जगत की, कौन सी गाड़ी आ रही है, अच्छा ये आ रही क्या, स्टेयरिंग आ गई क्या, टायर आ गए होंगे तुम्हारे, अच्छा तुम्हारी गाड़ी की अच्छा इंजन आ गया होगा, ऐसे लोग बोलते थे। और उसके बाद जब गाड़ी ये वाली आई मेरी, हाँ उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी की बात आगे बताएंगे भी। और उसके बाद जब पहली बार विदेश यात्रा पे गए थे हम, ये पहली विदेश यात्रा मेरी है जिसमें हर्षिता बैठी है, मलिक सर है, हम है, पहली बार जीवन की विदेश यात्रा। लिखने का फर्क क्या होता है, मैंने उस समय अभी जैसे क्या कॉन्टेस्ट चल रहा है, श्रीलंका चल रहा है ना, इसके पहले चल रहा था उस समय थाईलैंड चल रहा था, तो हमें पूछा कि कहाँ जाओगे घूमने, हमने कहा थाईलैंड ही बोल दो, कहीं हो जाए यही पूरा क्या दिक्कत है, और थाईलैंड जा रहे थे हम लोग पहली बार। और एक समय ऐसा आया कि आज हम 11 विदेश यात्राएं कर चुके, पूरी फ्लाइट भर के हमारे सब फॉरेन ट्रिप पे गए थे, ये पूरी पूरी मेरी टीम गई थी यहां से। ये है पावर मोदी केयर की। फिर मेलबर्न गए हम लोग, मेलबर्न घूमने ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर अल्टीमेट क्या व्यवस्थाएं थी, क्या चीजें थी, इसकी स्टोरी सुनाएंगे तो शाम हो जाएगी। बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ऐसा ट्रिप तो कहीं मिलता नहीं, आप समझिए। इसके बाद बेटी का बर्थडे आया, उसको गाड़ी गिफ्ट किया, और ये स्कूटी मांग रही थी, पढ़ाई के मतलब पढ़ाई अच्छी करती थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मिसेज ने कहा कि जब मोदी केयर है तो क्यों सोच रहे हैं आप, आप ही कहते हैं मोदी केयर है ना, हमने कहा बिल्कुल है, क्या चाहिए, तो बोले कि गाड़ी कार लाते हैं। उसी दिन जाके नेक्स्ट डे बर्थडे था उसका, आज ही कार बुक कराई, और कल सुबह गाड़ी अपने नीचे पार्किंग में गाड़ी थी। और फिर ये गाड़ी आई मेरे पास में, और जब ये गाड़ी आई, जो बोलते थे हमको मिठाई, वो जो टायर आ गया क्या, स्टेयरिंग आ गई क्या, मैं उनको घर पे बुलाया, हमने कहा आओ भाई घर पे, शेखावत जी बैठ के बात करते हैं, मिलो आओ, तो उनको बुलाए और उन्हें मिठाई खिला रहे थे, हमने कहा सर ये गाड़ी की मिठाई है ये खाओ, तो कह क्या रहे हैं कि यार विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने तो मजाक किया था, तुम मजाक में गाड़ी लेके आ गए, हमने कहा ऐसे मजाक किया करो, ऐसे मजाक से अगर जिंदगी बदल सकती है तो फिर किया करो मजाक ऐसे। और अभी भी आज वो बंदा परेशान है, जॉब भी कर रहा है, अभी उसको सेट नहीं माइंड हो पा रहा, माइंड सेट होता नहीं जल्दी किसी का, कहते ना जाके प्रभु दारुण को दीना ताकर मती पहले हर लीना, जिसके भाग्य में नहीं होता ना वो पता नहीं कैसे बचते बचाते, मीटिंग में नहीं आएगा, ट्रेनिंग में नहीं आएगा, बात नहीं सुनेगा, वो चैलेंज इतना बताना शुरू करेगा ना कि सब कुछ खत्म नजर आएगा आपको। ये सम्मान मैगजीन में नाम आया, सम्मान नेम फेम हो गया, एबीपी न्यूज पे आए, सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे डालिएगा, यूट्यूब पे क्या गूगल में डालिएगा, जगत नारायण सिंह मोदी के डाल दीजिएगा, तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग में गए हम लोग, सुरेखा मैम के बेटे की शादी थी तो वहाँ गए थे हम लोग, स्पेशल राजस्थान से गए थे, तो ये भी बड़ा अच्छा फील हमको लगा वहाँ जाके, जो सुरेखा मैम ने सपने देखे थे हेलीकॉप्टर से घुमाने के लिए अपने दुल्हन को उतारने के लिए, वो सपना भी हमने लाइव वहाँ देखा और फील किया वहाँ पर जाके। मैगजीन में नाम आया, वनिता मैगजीन में आया, अब क्या बच रहा बताइए। ठीक है, आज का अचीवमेंट ये है, घर, इनकम, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, विदेश यात्राएं, आज 251 गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी हैं, राइट, 66 से ऊपर लखपति बन चुके हैं, 8 लोग घर ले आ चुके हैं, ब्लैक डायमंड 20, RDD 2, GRDD 11, ये देखा होगा आपने, गोल बनाइए अपना, ड्रीम मत बनाइए, ड्रीम कभी नहीं पूरे होंगे जब तक ड्रीम गोल में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका अगर ड्रीम बन जाए, ये इसका ड्रीम नहीं, इसका गोल है, ये पहुंचेगा वहां पर, लेकिन इसका ड्रीम है, गोल नहीं है। अगर आपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बनाइए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल बनाइए आप। तीन तरह के गोल बनाएंगे तो जल्दी गोल अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जब बड़ा गोल दिखता है ना तो जल्दी नहीं पूरा कर पाएंगे आप। गोल को तीन भागों में बांटिए, 1 साल का गोल क्या बना रहे हैं, 2 साल का गोल क्या बना रहे हैं, और 3 साल का गोल क्या बना रहे हैं, या 5 साल का गोल क्या बना रहे हैं। अगर गोल आपका छोटा होगा तो चैलेंज हमेशा बड़ा ही दिखेगा आपको, नहीं हो पाएगा ये प्रॉब्लम। आज उनकी समस्याएं सुन के दया आती है कि ऐसी कौन सी नेटवर्क बिजनेस में समस्याएं आती हैं जो हमें नहीं मालूम है, और लोग क्या सुनाते हैं जो ना करने वाले, अरे सर आज ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इतनी सुन सुन के हमने, भाई साहब ये मत सुनाओ यार हमें,
खूब सुन लिया हमने इसको, अगर ये सुनाओगे तो यही होगा आपके साथ में, जो चाहिए उस पर दिमाग लगाओ ना। हम इतना ज्यादा बोलने लग जाते, निगेटिव बातें इतना बोलने लग जाते ना, अगले का फोन आता तो सोचते उठाऊं कि नहीं उठाऊं। ऐसा लगता होगा ना, कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे कि जो बहुत निगेटिव बात बोलेंगे, ये हो नहीं रहा है, सब चल नहीं रहा है, क्या बताएं, वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है, क्या। तो आदमी सोचता है कि यार बात करूं कि नहीं करूं इससे। आप सोचो क्या दे रहे हो आप दूसरे को, जो आप चाहते हो। देखो प्रॉब्लम तो सबके सामने है, आसान तो कोई काम नहीं है, तो आसान कैसे हो जाएगा ये भी। ये मालाएं, ये सम्मान ऐसे तो नहीं मिलता ना, कुछ तो करना पड़ता है ना, मेहनत तो करना पड़ता है। तो जो करेगा वो पाएगा, तो आपको झेलना तो पड़ेगा। लेकिन रो के झेलोगे तो रोंदू कहलाओगे, और हंस के झेलोगे तो कुछ अच्छे कहलाओगे। अब डिसीजन हंसमुख कहलाओगे, डिसीजन आपको लेना है। प्रॉब्लम तो आएगी, कुछ लोग प्रॉब्लम में बिखर जाते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम में निखर जाते हैं। हमें सोचना है बनना क्या, निखरने वाला है बिखरने वाला बनना है। अगर बड़ा होगा तो फिर विजन क्लियर हो गया आपका, फिर नजरिया क्लियर हो गया, फिर काम आसान हो गया। और देखिए करने वाला, देखिए सोचिए 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी मनुष्य योनि है। आप इतना इंटेलिजेंट कोई जानवर नहीं है, कोई जीव नहीं है, जानवर छोड़ो कोई जीव नहीं है। और क्या नहीं कर सकते हो आप। और हम कुछ पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, ड्रीम नहीं पूरे और उसके लिए परेशान हो रहे हैं। अरे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मिली है, आप कहां राज्य नहीं कर सकते हो। आप दूसरे ग्रहों पर राज कर सकते हो। आज जितनी चीजें दिख रही हैं सब आपने बनाया है। महसूस कीजिए आप क्या नहीं कर सकते हो। और अपनी जिंदगी जीने के लिए परेशान हो रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सोचने की बात हमें है, हमें देखने की बात है क्या करना चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर हम लाइफ में अपने पेशेंस रखेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। बहुत जरूरी है धीरज, धरहूं तो उतरहूं पारू। एक बार तुलसीदास से पूछा गया कि रामायण लिख दी इतनी बड़ी आपने, इसका कोई सूक्ति बताइए, कोई निचोड़ बताइए, कलयुग आ रहा है, किसी को पढ़ने का टाइम नहीं रामायण। तुलसीदास जी ने दो लाइनों में बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और यह बिजनेस किस चीज का है, दूसरों को सुख देने का है, दूसरों को दुआएं देने का है, दूसरों की लाइफ को अच्छा बनाने का है। जितने ज्यादा लोगों की आप लाइफ अच्छी बनाओगे उतने आप भी अच्छे बनते जाओगे। भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था वहां बताया था, बोला था कि आपका जन्म हुआ है इंसान का रूप में आए, आपने समाज के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया। ये सच बताऊं इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा दोस्तों, कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर बहुत लोगों की लाइफ बदल सकते हैं, बहुत लोगों की लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी समस्या होती है खाली जेब, सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर ये समस्या आप दूर कर दीजिए ना तो 90% बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं, और अगर पैसा नहीं है तो 90% बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि करना क्या है। लास्ट में एक बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि समय कम है, कि गर जुनून हो सर पे तेरे, गर जुनून हो सर पे तेरे, और अंदर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहां होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने अड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।